वालेकुम क्या हाल है जनाब तो कैसी लग रही है आपको वीडियोस कमेंट में ज़रूर बताइएगा अच्छा मैनिफेस्टो के आपको पता है कि आजकल सीरीज़ चल रही है तो उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी चल रही होती हैं बाकी थॉट्स भी आ रही होती हैं ये एक्चुअली मैं आपके साथ अपनी थॉट्स शेयर कर रहा होता हूँ अच्छा तो आज जो थॉट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है नौजवानों के बारे में और पाकिस्तान के नौजवानों के करने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि बड़े अरसे पाकिस्तान में नौजवान आ रहे हैं नौजवानी के मरल से गुज़रते हैं बूढ़े होते हैं वफात पा जाते हैं हम भी नौजवानी के जो है वो दौर से गुजर रहे हैं और सॉरी मैं कह नौजवानी के, तो के दौर से गुजर हूँ नौजवानी के दौर से गुज़र चुके हुए हैं तो अब बुढ़ापे में और वैसे भी इंसान जब पैदा होता है तो काउंट डाउन तो शुरू हो जाता है लेकिन हमारा काउंट डाउन जो है वो ज़्यादा करीब हो गया लेकिन बड़े जो दुख की बात है और जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि आजकल के नौजवान द वे दे आर रिएक्टिंग और द वे दे आर बिहेविंग ये बड़ा अलार्मिंग है देखिए नौजवान जो है वो हमेशा से ज़रा डिफरेंट सोचते हैं और ज़रा कम अकल और ज़्यादा जोश से सोचते हैं बिलाशुबह मैं समझता हूँ ये भी पार्ट है क्योंकि जब कोई नई चीज़ें जो आती हैं ना उसमें बहुत होता है कि आप आ, आ, एनर्जेटिक हों आप कुछ नया करने का सोचें बावजूद इसके कि पहली बार हो चुका होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो भी चीज़ें बनी हैं जहाज चिप्स वगैरह वो ये तो नहीं ना कि एकदम इसी फॉर्म में आ गई हैं बार बार तजर्बे किए नई चीज़ें की, तो नौजवानों की ये सोच बहुत पॉजिटिव है पर मसला यह है कि नौजवानों को अपनी सोच जो है ना कंट्रोल रखनी चाहिए अब पाकिस्तान के नौजवानों को जो है ना एक जो बंदा मिल गया जो कि मैं समझता हूँ जहलों का सरदार था और उसने अपनी सीट की खातिर अपनी ताकत की खातिर नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया मुझे आज भी याद है जब ये वैसे आज भी याद से मैं इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कोई पुरानी बात हो अभी ये जब ये निकाला गया था इसके खिलाफ अदम अतमाद आई थी जो कि बड़ा हीरो बन के कह रहा था कि मैं तो कहता हूँ लेके आए जब आ गई तो रोने धोने शुरू कर दिए तो ये लोग नौजवानों को कहता था कि इनके स्कूलों में इनके बच्चों को बातें बनाओ यानी कि या आप क्या तरबियत दे रहे हो इस तरह चलती हैं चीज़ें हाँ उनके लिए चलती ज़रूर हैं जो नौजवान जिनके दिमाग स्टेबल नहीं है वो ये समझते हैं कि शायद ये सलूशन है पर ऐसा सोलूशन नहीं है इस तरह चीज़ें नहीं चलती आप हर चीज़ के मामले में ब्लंट नहीं हो सकते आपका दिल भी करता हो हम भी बड़ा दिल जवानी में करता था पर ये चीज़ें इस तरह तरीक़ों से नहीं चलती आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना जवानी में वो टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है वो नहीं एक्सेप्ट करता उन चीज़ों को जो निच्योर हो चुकी होती हैं या अपने से बड़ी उम्र के बंदों की बातों का वो उसका समझ आता है कि व्हाट आई एम फीलिंग नाउ इट इज़ डिफरेंट एंड अदर पीपल डोंट नो मुझे आज भी याद है हम जब मैट्रिक के पेपर होते थे मैं एक आप कहें कि एक नकम्मा किस्म का स्टूडेंट होता था तो मैट्रिक के जब पेपर होते थे ना तो पहले होता था हाँ जी आखिरी साठ दिन रह गए हैं जी पता है कि जी होने कोई मसले की बात नहीं है कर लेंगे हम क्या आइए ये है ये है ये है, है कोर्स सब सामने है अच्छा जी फिर टाइम गुजार दिया तीस दिन आए आ, हो जाएगा थोड़ा सा तो कर लिया हुआ है बाकी फिर जाहिर सी बात है फिर हम क्वेश्चन सेलेक्टेड करने की तरफ चलना शुरू हो जाते पूरे सिलेबस से शुरू होते और आखिर में हाल ये होता है कि आखिरी वक्त में हमारे हाथ पाँव फूले होते हैं कि जहाँ यार तो, तो दस क्वेश्चन भी नहीं हो रहे अब पता नहीं ये आए वो आए ये आए क्या आए तो ये जो होते हैं ना आपका फ्रेम ऑफ माइंड होता है अब हमें बड़े क्या कह रहे होते हैं कि बेटा नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे इस तरह नहीं चीज़ें होती क्योंकि वो खुद भी इससे गुजर चुके होते हैं वो हमें समझा रहे होते हैं अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो गुज़र चुके हुए हैं इस चीज़ से तो हम भी इस चीज़ को करें अक़ल मंदी ये है कि आप जिन्होंने सीखा हुआ है उनसे सीखें तो पाकिस्तान के नौजवान को भी जो कि हमारा बड़ा कहा जाता है कि जी बड़ी तादाद है नौजवानों की उनको भी देखना चाहिए कि अपने आप को ब्लाइंड फॉलोइंग में ना लगाएं एक तो ये जो मनहूस मोबाइल मैं कहता हूँ ना एक हद से ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं और वो लोग करते हैं कि जब आपका माइंड बंद हो और आप यानी कि मैं देखता हूँ लोगों को टिकटॉक पे ये अंगूठे चल रहे हैं फेसबुक पे अंगूठे चल रहे हैं और उसको यानी कि कोई भी उठ के अगर इमरान खान के हक में बाद में कर देगा पाँच छः वीडियो करेंगे क्योंकि उन्होंने अब जैसा यूट्यूब है आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसका आप में इंटरेस्ट होगा उससे रिलेटेड वीडियो दिखाएंगे तो अगर आप इमरान खान के कर रहे हैं तो आपको उस हक में है तो इमरान खान से रिलेटेड सारी आपको वीडियो दिखाएंगे आपका क्या होगा बार बार आपके माइंड में वही चीज़ पड़ती जाएगी वही चीज़ पड़ती जाएगी और फिर आप अगर उसके हामी हैं तो आप कोई मुखालफत में तो वीडियो देखेंगे ही नहीं जब देखेंगे नहीं तो आपको दूसरी राय कहाँ से पता चलेगी इस वजह से ये बहुत ज़रूरी होता है कि देखें बायसड इंसान होता है पर यह बहुत लाजमी होता है कि आप दूसरे की भी राय को सुने इतने बायसड ना बने कि बंद गली में आप चले जाएं। नौजवान समझते कि पता नहीं वो क्या यानी कि पसंद क्या होती है सॉरी टू से कि वो हमारा कोई रिश्तेदार है नवाज शरीफ हमारा कोई रिश्तेदार है इमरान खान कोई रिश्तेदार है बिलावल कोई रिश्तेदार है मेजॉरिटी का ऑफ कोर्स हों कि तो होंगे ना रिश्तेदार पर मेजॉरिटी के कोई रिश्तेदार हैं क्यों ब्लाइंड फॉलोइंग करें हमने उसकी खूबसूरती को चाटना है हमने नवाजशी के गोरेपन को चाटना है या मरियम नवाज की खूब के मेकअप को हमने उसकी तारीफें करनी है बिलावल के क्या उसके जरदारी की क्या वो उसकी तारीफें करनी है हमें है कि हमें डिलीवर क्या करके देता है जो मैनीफेस्टो में बात करता है जो वादे करता है उसको पूरा करता है कि नहीं करता क्यों ठेका बेवकूफ़ों की तरह हम सारे लेने लग पड़ते हैं बहस मुबाइसे इस बात पे करते हैं कि दूसरे बंदे ने गलत भी काम किया हो तो हाँ ही उसने ठीक किया है वो भाई क्यों की है आप ठेकेदार हैं चलें उनको तो जिनको उन्होंने तनख्वाहों पे लगाया होता है इसी वजह से सरकारी मुलाजमतें देते हैं ना कि उन्हें तनख्वाहों पे लगाया होता है यही इमरान ख़ान ने किया यही ज़्यादातर करते हैं उनको तो चले ठीक है हम क्यों करें क्यों नौजवान करें क्यों बेवकूफ़ बने हमें स्टडी करनी चाहिए हमें पॉजिटिव माइंड के साथ आगे जाना चाहिए डू यू थिंक कि आप पोलिटिकली इतने बेवकूफ़ हो जाएँ और फिर लोगों से बहस मुबैसे करें और बदतमीज़ियाँ करें वट डू यू थिंक आज अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं यानी कि ये बड़ी अजीब बात लगेगी पता क्या इसका नौजवान कहेगा जो मेरे को ख़ाल सोच रहा होगा वो कहेगा जी देख लेंगे नहीं बेटा देखा नहीं जाता वो होता है जब आप बदतमीजी करते हैं ना तो आपकी जो औलाद है ना वो एक स्टेप फॉरवर्ड होती है मैं हम अपनी बात करें ना तो हम अपने माँ बाप के एक स्टेप फॉरवर्ड से बदतमीज़ी में अब जो है वो उससे अगली है और आने वाली उससे अगली होगी मुझे आज भी याद है मैं लास्ट बात करूँगा कि वो जो इमरान ख़ान के जलसे में वो बेवकूफ़ों की तरह एक बच्चे को घटिया तरीन बातें बताई कि जी नाविल्ला अल्लाह माफ़ करे बोलना भी नहीं चाहिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ कि वो बच्चे को सिखाया गया था वो तो बच्चा मासूम था किसने सिखाया माँ बाप ने ना उसने सिखाया कि जनाब साहब कि जी सल्लम के बाद के वालदे के बाद आपके इमरान ख़ान के अम्मी अबू सबसे खुशकस्मत माँ बाप थे यानी कि वो उसका बाप भी करप्शन में पकड़ा गया खुद भी हर मामले में करप्ट और मैं कहता हूँ घटिया तरीन हरकतें करने वाला इंसान किस को किसके साथ मिला रहे हैं अब वो बच्चे को क्या पता बेवकूफ़ बनाया जाता है और वो एक वीडियो जिसमें बच्चे जो हैं वो जो कहते हैं ना क्या अजीब गरीब किस्म के बच्चे बड़ी बाद बाब होके जी उसके कसीदे पता नहीं पढ़ रहे हैं जहलों वाली हरकतें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अब क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा नहीं हो सकती मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ खुद भी इन चीज़ों से बचें अपने बच्चों को भी बचाएँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं ये किसी के नहीं कह रहा कि आप नवाज शरीफ के को करें बेनज़ीर को वो करें बिलावल को करें, करें मौलाना को करें पर इमरान खान इस तरह के लोगों को ना करें ये जो मम्मी डैडी स्टाइल है ना एक तो ये फैशनेबल तबके ने किया हुआ है हमारा जो डिप्राइव तबका है जो कि फ़ैशनेबल बनना चाहता है वो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा तादाद आ गई है वो मम्मी डैडी तो थे ही थे वो बेचारे जो मम्मी डैडी को देखे इम्प्रेस होते हैं वो भी इमरान खान को इसी वजह से फॉलो करते हैं माइंड माइंड सोचो सोचो 360 अल्लाह हाफिज